मुझे जब बायोप्सी के बारे में पता चला था कि मुझे बायोप्सी करानी पड़ेगी, मैं बहुत डर गई थी एंड आई क्राइड अ लॉट. आई हैड अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स. उस टाइम बिन बुलाए मेहमान की शूटिंग चल रही थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए सेट पर काम रहना एंड टू कॉन्सनट्रेट ऑन माई वर्क, बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट नो है कि नहीं है, है कि नहीं है. एंड दैट फियर वॉज काइंड ऑफ मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट इट. और आई जस्ट केप टेलिंग माई सेल्फ कि नहीं होगा, नहीं होगा. पर जब मुझे पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज छवि मित्तल एंड वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि. वेल, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ माइंड ब्लोइंग कुकिंग करने वाले हैं, तो वक्त आ गया है बनाने का. मोहित इज गेटिंग ऑल रेडी, बट बिफोर आई टेल यू व्हाट वी आर कुकिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. हॉट 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 ओपन. अरे पहले बना तो दो. ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रेडी है जिसपे मिट्टी की हांडी रेडी है. बना क्या रहे हैं तो बता दो. नॉटी चिकन करी दैट वी विल ईट विद ब्रेड. रोटी कैन नॉट बी मेड. ओके, और हमारे पास ये लकड़ियाँ हैं जो मोहित, अरहम और अरीजा खुद चुन के लाए हैं, और अब हम इन लकड़ियों को जलाएंगे चूल्हे के नीचे और बनाएंगे माइंड ब्लोइंग गांव की चिकन. आगे जो लाइटर है मेरे पास, कुछ पत्ते वत्ते जला लो ना. ये किस लिए और ये किस लिए? वो होता है ना, एक कम आंच के लिए वो है, ज्यादा आंच के लिए ये है. वाओ. अभी नहीं बेटा, अभी नहीं मैं बोलूंगी. आपने चाबी कहाँ रखी है गाड़ी की? और हमने बेसिकली गाड़ी की चाबी घुमा दी है और कहीं नहीं मिल रही है, हम घर कैसे जाएंगे? ओके, आग जो है वो मैंने थोड़ी रेडी कर दी है. अभी हमको चिकन का सब कुछ जो है वो इस हांडी के अंदर डालना है. दैट रेडी. तो मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा देसी घी. पेस्ट का है अदरक लहसुन का, ये थोड़ा सा चॉप जिंजर. दीदी कितना चिकन है? ओके, मैंने डाला है सरसों का तेल और काफ़ी सारा देसी घी डाला है. जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने दो पैकेट डाले हैं, ये छोटे वाले, और चॉप्ड जिंजर था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया. ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मसाले, ये प्याज थोड़ा सा भून लेना. नहीं, थोड़ा पहले इसको भूनते हैं, जिंजर गार्लिक को. इसको इसमें डाल के भूनना पड़ेगा. हाँ, नहीं क्यों, ये कैसे जाएगा इंडक्शन पे? उधर चल रहे हैं, कॉल कर रही हो यार. थोड़ा सा तेल इसमें से इसमें डाल दिया है और इसको हम लोग भून लेंगे और मसाले को भी. अच्छा, थोड़ा ड्राई रोस्ट होगा ना, इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आएगा. प्याज ना? हाँ. पानी चाहिए बच्चे को? नहीं, मैंने अभी प्याज लिया. अच्छा 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 बाबा, अच्छा. या अरम, वेयर डिड वी फाइंड द कीज फाइनली? वेयर वर दे? दे वर अप. हु केप्ट देम अप? Kept them there. What room? I think I should keep this over here and this over here. I think प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ. हाँ. टमाटर को भी थोड़ा सा भून लेते हैं यहाँ पे ताकि काम हमारा जल्दी हो जाए. नमक डालती हूँ, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर तो खत्म है. ब्लैक पेपर चाहिए? हाँ डालो ना पेपर. Always wanted to do this. इतने में वो देखता हूँ ना फेसबुक पे विलेज कुकिंग के वीडियोस. Hopefully अच्छा बनेगा. मेरे को नमक कम होगा, अभी नमक और नमक थोड़ा कम होगा. चिकन डालेंगे ना, चिकन डाल के नमक डालना पड़ेगा, चिकन में नमक नहीं. जब हम कुकिंग कर रहे हैं देखो बच्चे क्या करते हैं. किसके साथ खेल रहा राम? किसके साथ खेल रही है रीजा? चिकन डाल देता हूँ और बंद कर देता हूँ. ओह वेरी नाइस, धनिया भी है. केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर ये पलट गया तो हमारी जिंदगी उलट जाएगी. ठीक
करेंगे अभी सब कुछ डालकर, इसका ढक्कन बंद करके इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे एंड वील कीप कमिंग एंड चेकिंग इन अबाउट 10 मिनट्स। खाली फायर का ध्यान रखना पड़ेगा कि बुझ ना जाए, उसको बार बार आके लकड़ियों को आगे आगे खिसकाना पड़ेगा सो दैट द फ्लेम स्टेज अलाइव। तो मैंने जाके फटाफट एक शावर ले लिया और चिकन अभी भी कुक हो रहा है, गल गया। नमक ठीक है? सही है। How's it, Ariza? So guys, I hope you enjoyed this chicken recipe. It's really very tasty and so simple to make. Let me know in the comments how you liked it. And before I sign out, I just want to say ki jab mujhe pata chala ki mujhe breast cancer hai, my first reaction was not of panic. I was calm and I just thought that okay, this is it. This is real, ये हो रहा है, अब हमें इसके बारे में आगे सोचना है और सोचना है कि इसके साथ डील कैसे करना है। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, डॉक्टर्स से बात की, सर्जन से बात की, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स से बात की, प्लास्टिक सर्जन से बात की, सबसे बात की एंड आई गॉट माई इन्फॉर्मेशन इन प्लेस। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द वर्स्ट एंड डिसाइडेड दैट जो है वो है और आई हैव टू फाइट इट। आई मीन नोबडी हैज़ अ चॉइस बट दे फाइट विद कैंसर एंड माई लिटिल गर्ल हियर इज़ ऑल्सो एज ब्रेव एज हर मम्मा। मम्मा है। और मैंने अरीजा को समझाया कि सर्जरी होगी जैसे सी सेक्शन सर्जरी हुई थी, डॉक्टर ने मम्मा का टमी काटा था, बेबी बाहर आ गया था। but then Aram was crying, right? वैसे ही ब्रेस्ट की सर्जरी होगी और लंप को बाहर निकाल दिया जाएगा एंड देन देयर विल बी अ रिकवरी टाइम, राइट अरीजा? I don't know. Doesn't have to be difficult, okay? So guys, I hope you enjoyed today's video. Please like, share and don't forget to subscribe to Being Born with Chavi. Now let us enjoy our food. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.